जा रहा हूँ काबाटाश जो नेक्स्ट स्टेशन है और नेक्स्ट स्टेशन से फिर मुझे ट्रम्प लेनी है। तो यार यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है मुझे वो है लैंग्वेज की। यहाँ पे कोई भी सही से जॉब नहीं देता है और मैंने अभी रिसेंटली अपना इस्तांबुल कार्ड ले लिया हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे बैठा हूँ। हेलो, मैं अभी मेट्रो से बाहर निकला हूँ और ये काबाटाश स्टेशन के एग्जैक्टली बाहर निकलते ही ट्राम स्टेशन है। तो अभी मैं ट्राम में बैठ गया हूँ और ट्राम से मैं जा रहा हूँ सुल्तान अहमद। तो 1 2 3 4 5 6 7 ओके, जो मेरे साथ में बैठे वो मुझे समझा रहे हैं। मैं स्टेशन ये देखिए 7 स्टेशन, उन्होंने मुझे बताया कि 7 स्टेशन के बाद में आएगा सुल्तान अहमद। थैंक यू। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बिना लैंग्वेज ट्रैवलिंग कर रहा हूँ मैं। और आप देख सकते हैं यहाँ से जो व्यू है, अच्छा यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ट्रैवल करना है तो एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो है आप जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तो एयरपोर्ट से आप कैसे भी करके यहाँ का जो मेट्रो का मैप है वो ले लेना ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपने ये वाला मेट्रो का कार्ड नहीं लिया है, मेट्रो ये पूरा मैप है, ये जो मैप है वो मैंने एयरपोर्ट से ले लिया था, तो उसको मैं फॉलोअप करके मैं यहाँ पे ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और आपको बाकी का दिखाता हूँ वहाँ पे।
फाइनली मैं पहुंच गया हूं सुल्तान अहमद और मैं यहां से जा रहा हूं ब्लू मॉस्क। वो एग्जैक्टली आप जैसे ही ट्राम से बाहर निकलेंगे सामने ही है। हालांकि मैं आपको बता दूं मैंने ट्राम में टिकट नहीं लिया था, मैं वैसे ही ट्रैवल कर रहा था। मुझे पता नहीं था उसमें कैसे उसको करना है, लेकिन मैंने जब यहाँ पे जब नोटिस किया तो मैंने समझा कि कोई भी ट्राम के अंदर टिकट नहीं ले रहा था, वो वैसे ही ट्रैवल कर रहे थे, तो मैं भी उनके पीछे लाइन में लग गया था। तो उन्होंने मुझे समझाया, बोले यहाँ से जाओ, तो मैं वहाँ से आ गया। अब देखिए मेरे एग्जैक्टली पीछे है ब्लू मॉस्क, ये देखिए, वाओ द ब्यूटीफुल वे। पूरा यहाँ पे इतना जो बर्फ गिरा हुआ है जो आप देख सकते हो सामने, ये देखो ये। यहाँ पे जो बर्फ है, बर्फ थम ही नहीं रही है, इतना स्नोफॉल हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है जैकेट पहने क्या पहने। कभी कभी बारिश हो जाती है यार, बहुत ठंडी है, बहुत यानी बहुत ठंडी है। और मैं अभी ठंडी होने के बाद भी मैं निकल तो आया हूँ कि चलो थोड़ा सा आया हूँ तो घूम भी लूँ, लेकिन यार सही में बताऊँ कि इतनी ठंडी है के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ देखो तो सही पीछे, हो ये जो मेरे पीछे आप देख सकते हो ब्लू मॉस्क पूरा बर्फ में, पूरा बर्फ में दबा हुआ है। मैं यहाँ पे आपको क्या एक्सप्लोर करूँ, मैं ठंडी इतनी ठंडी जो लग रही है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सो ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ये। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट, ये देखिए, वाओ सो ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल है वो आपको यहाँ पे आने के बाद ही पता चलेगा। वाओ वो सो ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला ये बहुत यानी बहुत ब्यूटीफुल है। अगर कोई यहाँ पे टर्की में आ रहा है, इस्तांबुल आ रहा है, तो उसको एक बार हेलो यहाँ पे अगर कोई आ रहा है तो यहाँ पे जरूर 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 आना, क्योंकि ये इतना बड़ा प्लेसेस है ना, इतना बड़ा एरिया है जिसको आपको कवर करने में, सॉरी क्लोज नो ओके दिस वे ओपन मोस्ट इज
Under construction also is closed from this one. So, which today? Today is a close. No, after 1 hour is open. After 1 hour. After 1 hour. Okay. उन्होंने बताया मुझे कि I am from India. I am from India. From Istanbul, with love. For Istanbul. So the guys is told me कि अभी मॉल्स एक घंटे के लिए बंद है. तो यहाँ पे जो बाजार है, बोले बाजार आप देख सकते हैं. On that way? This way, let me show you. Okay. I am not a tour guide. Don't worry. Okay. मुझे बताया है कि सामने की ओर पे जो मार्केट है वो ओपन है, तो आप वो देख सकते हैं. बट यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, जैसे ये जो है तो ये क्लोज है अभी. अभी विजिटर के लिए यहाँ पे अभी 2 बजे यहाँ पे विजिटर के लिए क्लोज हो जाएगा, और 4 बजे दिस इज द 4 PM ओपन, 2 PM ओपन. ओके, 2 बजे ओपन होगा. अभी मैं आया हूँ, क्लोज है अभी. तो ओके, डाउन देयर देयर इज पैनोरामा टेरेस आल्सो, यू कैन सी. इन्होंने मुझे बताया जो देखने लायक है, तो मैं अभी उनके साथ में यहाँ पे जा रहा हूँ. तो अभी थोड़ा सा मैं एक्चुअली आने में थोड़ा सा मुझे लेट हो गया था, इसकी वजह से मैं नहीं जा पाया था. I was freezing. Now I feel warmer. What's your name? So, Manish. Manish Yunus. Nice to meet you. What's your name? Yunus. Yunus. Uh-huh. Yunus. Okay. I arranged tour also. We have a family shop is here. Okay. So I make the night cruise. I make night cruise and tourist. Okay. Dinner and traditional Ottoman shop. Okay. All included, dinner, transfer. Including dinner. Dinner, salad, okay. Fruit, so, you know, ये मुझे बता रहे हैं कि उनकी खुद की यहाँ पे क्रूज है जो डिनर सब कुछ अरेंज करती है. और यहाँ पे उन्होंने अच्छा ये दिस इज गार्डन. ये देखिए, okay. मेरे पीछे देखिए, इट वॉज हॉर्स स्टेबल इन ऑटोमन टाइम. दे कीप द वॉर हॉर्सेस हियर. ओके. But after in Turkish Republic time they changed concept here. Now they are using like a bazaar. Okay. Acha. Three bazaars. One of bazaar this one is Grand Bazaar. Okay. Grand Bazaar is so far. Grand Bazaar maybe 15 minutes, 20 minutes by walking. Okay. So this is the museum. There is museum is here. There is, okay. This is the museum. No, museum is here, Mosaic Museum. Mosaic Museum. Okay. The Mosaic Museum. So, night cruise starts 7:30 evening. 7:30 pick up from hotel, 11:30 finish. With dinner, with salads, fruit, all included. Okay. You think Cappadocia? And bazaar is very big. अभी एक्चुअली जो मॉस्को है वो बंद था, इसके लिए मैं यहाँ पे आराष्ट्रा बाजार आया हूँ. ये देख सकते हैं, आराष्ट्रा बाजार है एग्जैक्टली ब्लू मॉस्क के एग्जैक्टली पीछे की साइड में. तो यूनुस मुझे यहाँ पे मिल गया, जिसने मुझे हेल्प की थोड़ी सी कि यहाँ पे बोले अभी बंद है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे बाजार देख सकते हैं. और उनके पास कुछ है जो वो बोल रहे हैं कैपाडोशिया जाने के लिए, वो कुछ गाइड कर रहे हैं मुझे. इन्होंने थोड़ा सा मुझे गाइड किया हुआ है, तो मैं उनके साथ में हूँ, थोड़ा सा देख लो. महाराष्ट्र बाजार तैयार है. हेलो गाइस, मैं अभी पहुंच गया हूं ब्लू मॉस्क के अंदर. और यहां पे शूज़ निकालना कंपलसरी है, तो बाहर से ही शूज़ निकाल के आना पड़ेगा. और फेस मास्क पहनना कंपलसरी है. यहां पे देख सकते हैं सब लोग ने फेस मास्क पहना हुआ है, तो मैंने भी फेस मास्क निकाल के अभी मैं आपको दिखा देता हूं ब्लू मॉस्क के अंदर का पूरा नज़ारा. तो आप देख सकते हैं सामने मेरे, ये देखिए, वाह, ये है ऊपर पूरा, वाह. यहाँ पे अभी कुछ काम चल रहा है,
सो ब्यूटीफुल ये देखिए आप सामने की साइड में ये है ब्लू मास के अंदर का पूरा व्यू है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए पूरा अंदर का व्यू ये मुझे ऐसा लगा था कि अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है लेकिन फिर कुछ लोगों को मैंने फोटो कैच करते हुए देखा तो फिर मैंने यहाँ पे फोटोग्राफी लिया है और अंदर का व्यू बहुत ही अच्छा है पूरा रेड कारपेट बिछा है आप देख सकते हो पूरा रेड और किसी को भी यहाँ पे शूज अलाउड नहीं है यहाँ पे आपको पूरा इसका देखिए ये देखिए Come look at this. Mm-hmm. This is the blue mask from above. Okay. यहाँ पे ये पूरा दिया हुआ है ब्लू मास्क के अंदर का अभी अंदर यहाँ पे कुछ काम चल रहा है इसकी वजह से सब एरिया बंद कवर करके रखा हुआ है सिर्फ यहाँ का ऊपर का व्यू और अंदर का व्यू ही हम लोग देख सकते हैं जो जो कि एग्जैक्टली मेरे सामने की साइड में है वहाँ पे तो सब लोग यहाँ पे प्रे करने के लिए आते हैं तब यहाँ पे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और यहाँ पे अभी जो है सामने सिर्फ इतना ही दिख क्योंकि आजू बाजू का पूरा जो एरिया है वो पूरा बंद करके रखा हुआ है ये देखिए ब्लू मॉस के एग्जैक्टली सामने आ गया हूँ और ये मेरे पीछे जो है ये है हाजिया सोफिया ये जो है यहाँ पे है म्यूजियम ये हाजिया सोफिया मैं जस्ट अभी इसी के अंदर जाने वाला हूँ और यहाँ से ये एंट्री गेट है तो आप जब भी यहाँ पे अगर कोई आ रहा है यहाँ पे अगर कोई आ रहा है तो सुल्तान अहमद मेट्रो सॉरी ट्राम स्टेशन है वहाँ पे उतरना पड़ेगा वहाँ से ब्लू मॉस्क है सामने एग्जैक्टली ये देखिए मैं आपको सामने दिखा दे ये सामने जो दिख रहा है वो ब्लू मॉस्क है और के जस्ट वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में यानी सामने ही दिखेगा तो अभी मैं इसके अंदर जाने वाला हूँ शायद अंदर अगर वीडियो अलाउड होगा तो मैं आपको अंदर का व्यू दिखा सकता हूँ जैसे मैं ब्लू मॉस्क में गया था वहाँ पे यार मैं सही में मेरे को इतनी ठंडी लग रही है ना कि मैं रुक नहीं पा रहा हूँ फिर भी मैं कैसे भी करके आपके लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ पे माइनस टेम्परेचर है पानी भी इतना ठंडा है ना पानी मैंने कल से पिया ही नहीं है सबसे पहले तो क्यों बहुत ठंडी है यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे अंदर ये जो सामने है मेरे पीछे देख रहे हो ये एंट्री गेट है यहाँ से मैं एंट्री करके अंदर जा रहा हूँ
Oh,